काफी समय से चर्चा है कि सलमान खान करण जौहर के प्रोडक्शन फिल्म में अक्षय कुमार होंगे, जो कि सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित होगी। लेकिन परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब पता चला कि अजय देवगन भी इसी कहानी पर फिल्म ला रहे हैं। धीरे धीरे बॉलीवुड गलियारों में बात फैल गई कि अक्षय कुमार की फिल्म डिब्बा बंद हो चुकी है, क्योंकि सलमान नहीं चाहते कि अजय देवगन को टक्कर दें। बहरहाल अब इस फिल्म से जुड़ी ताज़ा खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो यह टीम अब किसी इतिहास से जुड़ी फिल्म नहीं बल्कि स्पोर्ट्स फिल्म के साथ सामने आने वाली है। यह एक बायोपिक होगी, लेकिन खास बात है कि फिल्म ना ही क्रिकेट पर होगी ना ही हॉकी पर, बल्कि कुछ अलग ही सोचा गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस धमाकेदार तिकड़ी ने दर्शकों को सरप्राइज करने का क्या प्लान बनाया है। यहाँ जाने अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में। 2-0 रजनीकांत की इस फिल्म में अक्षय कुमार विलेन बने नजर आएंगे। फिल्म 2018 जनवरी में रिलीज होगी। पैडमैन, अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन 13 अप्रैल 2018 को रिलीज होने वाली है। बता दें, यह फिल्म रियल लाइफ में मुरुगनाथम से प्रेरित है, जिन्होंने सभी विरोधों का सामना करते हुए सबसे सस्ती सैनिटरी पैड्स बनाने का काम किया था। गोल्ड रीमा कागती के निर्देशन में बन रही फिल्म गोल्ड में अक्षय कुमार को फाइनल कर लिया गया है। इस फिल्म अक्षय हॉकी कोच बलबीर सिंह की भूमिका में नजर आएंगे। मुगल म्यूजिकल मुगल नाम से मशहूर संगीतकार गुलशन कुमार की बायोपिक फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य किरदार निभाएंगे। लैंड ऑफ लुंगी साजिद फरहाद की अगली फिल्म में भी अक्षय फाइनल हो चुके हैं। यह फिल्म तमिल सुपरस्टार अजित की 2014 में आई फिल्म वीरम की हिंदी रीमेक होगी। फिल्म का नाम होगा लाल, पूरा नाम है लैंड ऑफ लुंगी, लुंगी का देश। यह एक गांव की कहानी होगी जहां अक्षय लुंगी पहने नजर आएंगे। हाउसफुल 4 हाल ही में फिल्म के निर्देशक साजिद खान ने कंफर्म किया है कि वे हाउसफुल 4 पर जल्द काम शुरू करने वाले हैं। यानी कि जल्द ही फैंस के सामने अक्षय कुमार कॉमेडी फिल्म के साथ आने वाले हैं। क्रैक नीरज पांडे के निर्देशन में बन रही फिल्म क्रैक साल 2017 के अगस्त में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल फिल्म पर काम शुरू नहीं किया गया है।